अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। हाउडी मोदी। सोमवार से अचानक ये शब्द अचानक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के ह्यूस्टन में एक मेगा इवेंट करने जा रहे हैं। इस इवेंट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होंगे। इसी इवेंट का नाम है हाउडी मोदी। लेकिन क्या आपको पता है कि हाउडी का मतलब क्या होता है? दरअसल साल 2010 में करण जौहर की फिल्म रिलीज हुई थी माय नेम इज़ खान। शायद पहली बार भारत में इस शब्द को लोग बड़े पैमाने पर प्रयोग करने लगे थे। हाउडी अमेरिका में शिष्टाचार के लिए उपयोग होने वाला अहम शब्द है। हाउडी अंग्रेजी का वह शब्द है जो हाउ डू यू डू को मिलाकर बना है और हिंदी में इसका मतलब है आप कैसे हैं। यह शब्द दरअसल अब अमेरिकी समाज में प्रचलन से धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। हालांकि साउथ वेस्ट अमेरिका के कुछ हिस्सों में लोग अभी भी इस शब्द को यूज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर जगहों पर हेलो या हाय शब्द का ट्रेंड तेज़ी से बढ़ रहा है। भारत में साल 2010 में इस शब्द को उस मीडियन क्लास ने फिल्म माय नेम इज़ खान के जरिए समझा जिसके लिए अमेरिका जाना या वहाँ पढ़ाई करना किसी सपने से कम नहीं था। इस फिल्म के अंत में जब हीरो शाहरुख खान नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलते हैं तो उन्हें होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिसर जॉन मोर्सल का एक मैसेज देते हैं। इस मैसेज में शाहरुख राष्ट्रपति से कहते हैं कि वह जॉन मोर्सल से कहे हाउडी हाउडी मोदी शेयर ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर। यह नाम है उस कार्यक्रम का जो ह्यूस्टन के ARG स्टेडियम में 22 सितंबर को आयोजित होगा। यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति हजारों की तादाद में आए भारतीय अमेरिकियों की भीड़ को संबोधित करेंगे।